हॉरर वेबसाइट की शूटिंग के लिए गरुड़ क्षेत्र आए फिल्मी दुनिया के खलनायक व अभिनेता रजा मुराद ने कहा, मध्य प्रदेश में पिछले 7-8 वर्षों में फिल्मों की शूटिंग बढ़ी है। मध्य प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह है, परंतु दूरी अधिक होने से फिल्म निर्माताओं का बजट ज़्यादा होता है। यदि सरकारें मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टैक्स फ्री या टैक्स में कोई रियायत व सुरक्षा दे दे तो मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग को लेकर अपार संभावनाएं संभव है। वर्तमान में गरोड़ क्षेत्र में चल रही अपनी फिल्म की शूटिंग व फिल्मों के बारे में उन्होंने बताया कि SR फिल्म के बैनर तले बन रही इस फिल्म में वह मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी के बारे में उन्होंने बताया कि फिल्म डिजिटल वेब यूज में एक ही कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे वही निभा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग मंदसौर, सुवासर, सामगढ़, धर्मराजेश्वर, गरोड़, भवानी मंडी व झालावाड़ में हो रही है। नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है, मंदी का कोई मंदी का दौर नहीं। बुरी फिल्म बनाइएगा नहीं चलेगी, अच्छी फिल्म बनाइएगा चलेगी। अच्छी फिल्में चलती हैं, दौर जो है वो चलने या ना चलने से होता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई मंदी का दौर है फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा है ये जो जहां हम शूटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी सी बनावट है। देखिए क्या है कि अगर सरकार से सुविधाएं मिलें, इतनी दूर आना जो है काफ़ी उसमें समय भी लगता है, और अगर सुविधाएं हो, सुरक्षा की सुविधा हो और पॉलिसी हो जिसमें कुछ सब्सिडी मिले या फिल्मों का टैक्स माफ हो तो और अच्छा है। वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले 7-8 सालों से मध्य प्रदेश में शूटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, भोपाल में हो रही हैं, इंदौर में हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मैं समझता हूँ। और जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए भी अच्छा है, उन्हें भी काम मिलता है। मंदसौर से ललित शंकर ढाकर की रिपोर्ट।